कोविड पॉजिटिव मरीजों की भलाई लिए जिला प्रशासन लुधियाना ने एक मोबाइल ऐप विकसित की है, जिस राही मरीज अपने घर बैठ के घर एकांतवास लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह मोबाइल ऐप होम आइसोलेशन लुधियाना संसद मैंबर श्री फतेहगढ़ साहब तो लोग सभा मैंबर डॉक्टर अमर सिंह वालों वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा लॉन्च की गई है। इस मौके उन्होंने डिप्टी कमिश्नर श्री वरिंदर कुमार शर्मा, विधेयक डिप्टी कमिश्नर श्री संदीप कुमार, ADC जगराओं श्रीमती नीरू कतियाल गुप्ता, SDM रायकोट डॉक्टर हिमांशु गुप्ता और यूथ कांग्रेस आगू कमल बोपराय हाजिर सन। इस ऐप न वैब लिंक homeisolationpunjab.in जाके भी डाउनलोड किया जा सकता है। जिक्रयोग है कि मोबाइल ऐप होम आइसोलेशन लुधियाना इस समय गूगल प्ले स्टोर से उपलब्ध है और अगले कुछ दिनों में iOS प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च की जाएगी। इस मौके डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि मोबाइल ऐप होम आइसोलेशन लुधियाना कोविड पॉजिटिव मरीजों लिए बहुत लाहेवंद होगी। उन्होंने कहा कि इस तो पहला जिन्हों व्यक्तियों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाए जाते सन उन्होंने घर एकांतवास लिए सरकारी हस्पतालों जाके अप्लाई करना पैंदा सी, पर हुण इस मोबाइल ऐप होम आइसोलेशन लुधियाना की वरतों करके घर बैठे ही अप्लाई किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वसनीकों को अपनी एक वीडियो बनानी होगी, जिस विच एक वक्रा कमरा, अटैच बाथरूम और एक देखभाल करने लिए व्यक्ति को दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि यह वीडियो मोबाइल ऐप से अपलोड होने तो बाद मरीज को मैसेज राही दस दिता जाएगा कि उसकी एप्लीकेशन जमा हो गई है। एक बार बिना पत्र जमा होने तो बाद मरीज अपनी मर्जी का एक टाइम स्लाट चुन सकता होगा ता जो वह मैरीटोरियस स्कूल लुधियाना विखे स्थापित कोविड केयर सेंटर जाके डॉक्टर तो जाँच करवा सकेगा। इस तो अलावा इस मौके डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने दसिया कि सिर्फ 60 साल तो घट उम्र और हल्के लक्षणों वाले मरीज घर एकांतवास होने अप्लाई करन दे योग होंगे। उन्होंने इलाका निवासियों को अपील की कि वह एकांतवास लिए अप्लाई कर समय सिर्फ सही जानकारी जमा करवाउन। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन वालों पिछले दिनों दौरान लॉन्च की गई यह दूजी मोबाइल ऐप है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम उदय, लुधियाना।